तो आप लोगों ने देखा, मतलब हमने शेयर किया था, तो 34 तक में कोई सवाल पूछना तो नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी में? हाँ अगर किसी प्रश्न में कोई कोई समस्या नहीं है तो फिर हम लोग 35 से कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, डी एन एस ट्रांसलेट्स नेम्स इनटू द न्यूमेरिकल और बाइनरी आइडेंटिफायर्स। तो डीएनएस का पहले तो एक तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, डोमेन नेम सर्वर, है ना, डीएनएस सर्वर बोलते हैं हम, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर यानी ये या डीएनएस की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे हम लोग कोई भी लिंक अगर ओपन करना चाहते हैं, जैसे google.com है या व्हाट्सएप के लिए या जीमेल के लिए, जो भी हम लोग वेब ब्राउजर के ऊपर जो लिंक या डोमेन हम लोग लिखते हैं google.com, तो हमारे परसेप्शन के लिए वो google.com है, बट कंप्यूटर को या जो सिस्टम है हमारा नेटवर्क है उसको इस नाम से ट्रांसलेट करना पड़ता है, इस नाम को जो हमारा जो डोमेन नेम है इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है एक आईपी एड्रेस में, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज में, बाइनरी वैल्यूज में, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कि वो एक आईपी एड्रेस या बाइनरी फॉर्मेशन फॉर्मेट में उसको वो ट्रांसलेट कर देते हैं। यूआरएल भी हम लोग एक तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल ये जैसे अभी आपको दिख रहा है ऊपर में, जैसे मैंने जो लिंक पर अभी हाईलाइट किया जेई टेली वाला पेपर का जो दिया हुआ है, अब ये चीज अगर नेटवर्क के थ्रू अगर इसमें हम लोग जैसे google.com लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो इसका एक बाइनरी वैल्यू कन्वर्जन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू कन्वर्जन होता है। तो डीएनएस वही कन्वर्जन का काम करता है, लेकिन कन्वर्जन करता किसका है, डोमेन का ना। तो ये डोमेन नेम सिस्टम सर्वर इसका फुल फॉर्म ही है, तो डोमेन शब्द याद रखिएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने भी रेलनेट में डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस डाली होगी, सब लोग इस्तेमाल तो करते होंगे ना, डीएनएस हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे, 203 डॉट समथिंग समथिंग। 8.8.8.8 हाँ इंटरनेट वो पे सर। इंटरनेट के लिए, वो गूगल का है, गूगल सर्विसेज के लिए है वो, और हमारे अपने इंटरनेट के लिए और हम अपने रेलटेल के हिसाब से 203.153.153.41.28 इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत जगह क्या होता है कि हम लोग सीधे आईपी एड्रेस ही लिख देते हैं, और बहुत जगह हम लोग .com .in .net .org इस तरीके से हम लोग वेबसाइट एड्रेस लिखते हैं, बट अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज में, बाइनरी वैल्यूज में, आईपी एड्रेस में। और आईपी एड्रेस किससे बना होता है, बाइनरी से बना होता है, तो अल्टीमेटली बाइनरी में ही बदलना है उसको। इस वजह से यहाँ पे 35 में जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन है रियल डोमेन टेबल और रूटिंग में, सही ऑप्शन है डोमेन, है ना। तो डीएनएस के बारे में और भी आप लोग कभी समय मिले तो पढ़िएगा, है ना। 36 है, रेलनेट वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ बैकबोन नेटवर्क। तो यहाँ टिक वैसे लगा है बट मैं फिर भी इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। रेलनेट की जो कनेक्टिविटी है, रेलनेट क्या है, एक तरह का इंट्रानेट है। इस रेलनेट से संबंधित एक क्वेश्चन आता है कि रेलनेट विच टाइप ऑफ नेटवर्क इट इज, उसमें ऑप्शन दे देते हैं इंट्रानेट, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, पिकोनेट, तो ऐसे तीन चार ऑप्शन रहते हैं, और उसमें से पूछा जाए जाता है कि रेलनेट इनमें से कौन सा है, इंट्रानेट है, इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है, पिकोनेट है। तो रेलनेट हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इंट्रानेट है, बट रेलनेट की जो कनेक्टिविटी हमें डिवीजन वाइज सबको मिली हुई है वो एमपीएलएस के बैकबोन नेटवर्क पे काम करता है। अगर हम लोग अपने रेलनेट ऑफिस में जाएं और इसके सर्किट डायग्राम को या सर्किट कनेक्टिविटीज को अगर हम लोग उनसे पूछें, कंसल्ट करें, तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी कि कैसे हमारे डिवीजन की जो कनेक्टिविटी है वो रेलटेल के माध्यम से, यानी रेलटेल के जो ओएफसी लिंक हैं, ओएफसी इक्विपमेंट जो वो लगाते हैं, एसटीएम वगैरह, वहाँ से हमारी कनेक्टिविटी वाया वाया होते होते एमपीएलएस तक जाती है, मतलब एमपीएलएस का जो पूरा सेटअप है उससे कनेक्ट होते हैं हम लोग। और जैसे हमारा डिवीजन कनेक्ट होता है, वैसे सभी डिवीजन जितने भी हमारे इंडियन रेलवे में डिपार्टमेंट जो भी डिवीजन हैं सब एमपीएलएस से ही जुड़ते हैं, है ना। तो अब ये एमपीएलएस का फुल फॉर्म भी पूछता है, एमपीएलएस का जो
वर्किंग है उससे रिलेटेड भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप लास्ट टाइम हमने को चर्चा की थी लेयर 2.5 पर ये काम करता है। और यहाँ पर मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, ये फुल फॉर्म भी बहुत जगह हमने देखा एग्जाम में आता है, तो फुल फॉर्म के ऊपर भी नजर रखिएगा। मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग बोलते हैं इसको, इसलिए मैंने यहाँ साइड में देखो लिखा भी है, आप चाहें तो नोट कर लेना। और हमारे जितने भी रेलनेट के जो कनेक्टिविटीज अक्रॉस द इंडियन रेलवे, जहाँ भी कोई भी सभी डिवीजन के क्रॉस में या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या जो भी हैं, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं इंडियन रेलवेज के अक्रॉस, सब में MPLS के थ्रू ही कनेक्टिविटी पहुंचती है। इवन आप लोग जो स्टेशन पे वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल रेलटेल का जो कोलेब्रेशन के साथ में वाईफाई सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं, वो भी रेलनेट सॉरी MPLS के बैकबोन पर ही काम करता है। ठीक है, तो रेलनेट वर्क्स ऑन MPLS बैकबोन नेटवर्क। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन है टी पास, हम लोग इसको बोलते हैं टी पास, बट फुल फॉर्म होता है टेली प्रेजेंस एज ए सर्विस। ठीक है, टेली प्रेजेंस एज ए सर्विस, और ये जो सर्विस है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग जितने भी अभी आजकल लाइव मीटिंग्स वगैरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो VC, जिसको VC-VC भी बोलते हैं हम लोग, DRM से GM सर की या GM से रेलवे बोर्ड के बीच में या अराउंड जो भी है सभी ऑफिसर्स के साथ में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वहाँ पे सेमिनार हॉल में या कॉन्फ्रेंस हॉल में हम लोग एक सेटअप बना के रखे हुए पूरा, तो वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो सर्विस है रेलटेल के माध्यम से हम लोगों ने उसको इंस्टॉल करा के और यूज में ला रहे हैं, वो टीपास सर्विसेस है, टेली प्रेजेंस एज ए सर्विस बोलते हैं, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टीपास शब्द याद रखिएगा, और टेली प्रेजेंस एज ए सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो 38 नंबर क्वेश्चन है, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स एसोसिएशन जो या संगठन जो है हमारा एक एजेंसी है IEEE, उसका जो बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं उसमें से एक लिस्ट है, मैं आपको एक लिस्ट यहाँ पर शो करूँगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये जो पूछ रहा है कि इथरनेट लैन के लिए यानी इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा IEEE स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है ना। इसमें तीन चार स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों को बेसिकली याद रखना चाहिए, जैसे वायर्ड लैन के लिए यानी इथरनेट लैन के लिए 802.3 इस्तेमाल होता है, लेकिन वायरलेस लाइन जब होगा यानी वायरलेस वाला जब हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई NIC जब इस्तेमाल वाईफाई सिग्नल इस्तेमाल करते हैं, राउटर लगाते हैं, वहां पे जो IEEE स्टैंडर्ड होता है वो आपको दिखाता हूं मैं, S11। तो ये वाला जो लिस्ट है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, देखिएगा, आई होप आपको दिख रहा होगा वहां से, है ना। तो ये जो क्वेश्चन था इथरनेट लैन के लिए पूछा था, तो इथरनेट वाला देखिए 802.3 वाला इस्तेमाल होता है ना। एक क्वेश्चन आया था वीलैन के लिए, वीलैन में कौन सा IEEE स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने कभी देखा इस तरह के क्वेश्चन, वीलैन के लिए कौन सा IEEE स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। क्योंकि बेसिकली दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो इथरनेट लैन के लिए आता है या वायरलेस लैन के लिए आता है, तो वायरलेस लैन के लिए 802.11 होता है, और इथरनेट लैन यानी जो हम Cat6 केबल और RJ45 वाला जो अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें 802.3 इस्तेमाल होता है। बट अगर VLAN के लिए पूछता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क के संदर्भ में अगर पूछता है कि IEEE स्टैंडर्ड क्या है, तो वो 802.1Q है, क्यू 802.1 तो है ही इंटरनेट वर्किंग के लिए, बट उसमें क्यू जो एक स्टैंडर्ड है 1Q वो इस्तेमाल होता है VLAN के लिए। तो आप कहीं नोट करके लिख लेना कि 802.1Q इज यूजिंग एज IEEE स्टैंडर्ड फॉर द VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं बट आपके काम का इसमें यही दो है, 802.11 वायरलेस लैन के लिए, 802.3 इथरनेट लैन के लिए, और 802.1Q जो है वो VLAN के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए 38 के बाद हम लोग आगे चलते हैं 39।
फॉइस नेटवर्क, हमारे तीन इंट्रानेट हैं, रेल नेट, यूटीएन एंड फॉइस। भारतीय रेल में तीन प्रकार के इंट्रानेट हैं, इंट्रानेटवर्क हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, रेल नेट, फॉइस और यूटीएन। उसमें से जो फॉइस है उसकी जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है, टोपोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है कि किस तरीके से फॉइस के नेटवर्क को डेवलप किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इंडियन रेलवेज के लिए। तो स्टार टोपोलॉजी विथ मेश, यानी हमारा जो सेंट्रल सर्वर लोकेशन है दिल्ली है, तो वो हमारा सेंट्रल हब हो गया, यानी सेंट्रल डिवाइस हो गया, सेंट्रल नोड हो गया। वहाँ से सभी डिविजन्स को या सभी जोन को कनेक्ट किया गया है, तो ये एक स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। यानी हमारा एक सेंट्रल लोकेशन है, वहाँ से सभी जोन के हेडक्वार्टर्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो वो एक तरह से स्टार फॉर्मेशन होगा। बट जोन के लोकेशन, जोनल हेडक्वार्टर्स को तो कनेक्ट करेंगे ही, डिविजन्स को भी कनेक्ट करेंगे। तो इसी वजह से अब दिल्ली मान लो कि एक सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल सर्वर लोकेशन है फॉइस का, और वहाँ से सभी डिवीजन और सभी जोनल हेडक्वार्टर को कनेक्ट करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? स्टार फॉर्मेशन लगेगा, सभी मल्टीपल लिंक्स क्रिएट होंगी डिवीजन टू डिवीजन। यानी कि दिल्ली से मान लीजिए कि वेस्टर्न का अगर हम जिक्र करें तो नई दिल्ली से बड़ौदा, नई दिल्ली से अहमदाबाद, नई दिल्ली से भावनगर, नई दिल्ली से राजकोट। वैसे ही अगर NR की बात करेंगे तो वहाँ पे जितने भी डिवीजन्स हैं, मुरादाबाद है, चाहे अम्बाला डिवीजन है, दिल्ली डिवीजन है, तो वो सारे डिवीजन उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे सेंट्रल लोकेशन से। तो ये स्टार फॉर्मेशन हो गया। लेकिन होता ये है कि उसके बाद जब जोनल लेवल पे जब हम आर्किटेक्चर को देखते हैं तो सभी डिवीजन आपस से कनेक्टेड होते हैं और सभी डिवीजन जोनल हेडक्वार्टर से भी कनेक्टेड होते हैं। तो मान लीजिए कि आज सपोज कीजिए कि अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद से हेडक्वार्टर यानी चर्चगेट भी कनेक्टेड होगा, और अहमदाबाद बड़ौदा वाले से भी होगा, बड़ौदा चर्चगेट से भी होगा। वैसे ही अगर मैं दूसरे डिवीजन की बात करूँ तो वो सब भी मेस स्ट्रक्चर जो होता है ना, मेस स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार विथ मेस, ये याद रखिएगा कि जो फॉइस का जो नेटवर्क है वो स्टार फॉर्मेशन विथ मेस, यानी हाइब्रिड मोड में हम लोग इसको एक तरह से कनेक्ट करके रखे हुए हैं। मेश एट जोनल, यानी सेंट्रल लोकेशन जो दिल्ली है वहां से स्टार टोपोलॉजी डेवलप होती है, और जोनल लेवल पे हम लोग मेश टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिंक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करें, कोई भी लिंक ब्लैंक नहीं जाए, कोई भी कनेक्टिविटी हमारी दो पॉइंट्स की ब्लैंक नहीं हो। ठीक है, अगर यही चीज पूछता कि UTN में जो यूनिफिकेशन ऑफ PRS एंड UTS, वहां पे कौन सी टोपोलॉजी, किस तरीके का फॉर्मेशन इस्तेमाल हुआ है, तो इन्वर्टेड ट्री प्लस पार्शियल मेस, ये दो शब्द है, आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे अगर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। रिसेट के नोट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है UTN के केस में, यानी जहां पर यूनिफिकेशन ऑफ PRS एंड जो UTS जहां पर किया हुआ है उस केस में इन्वर्टेड ट्री प्लस पार्शियल मेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है टोपोलॉजीज का वो इस्तेमाल हुआ है। जैसे फॉइस का भी हम पढ़ रहे हैं ना, स्टार टोपोलॉजी विथ मेस एट जोनल लेवल, वैसे ही UTN का जहाँ यूनिफिकेशन हुआ है PRS UTS का, वहां पर इन्वर्टेड ट्री विथ पार्शियल मेस टोपोलॉजी सिस्टम हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है, यूनिफिकेशन वाला जो है वो भी पूछा हुआ है कहीं कहीं, अभी फॉइस का जैसे दिया हुआ है वैसे वो भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ऑल द कितने प्यारे सर्वर लोकेशन हमारे टोटल 5 हैं, 5 हैं, 4 एक्टिव सर्वर लोकेशंस हैं और फिफ्थ वन सिकंदराबाद जो है वो बैकअप सर्वर लोकेशन है, या इसको हम लोग रिकवरी सर्वर लोकेशन बोलते हैं, रिकवरी सेंटर है हमारा वो। ठीक है, तो 4 मतलब 5 टोटल कौन कौन से होंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 हमारे एक्टिव सर्वर लोकेशंस हैं, और जो सिकंदराबाद है वो हमारा बैकअप सर्वर लोकेशन कह सकते हैं या रिकवरी सर्वर लोकेशन हो सकता है। और ये सारे जो डाटा सेंटर्स हैं मतलब डाटा सर्वर लोकेशंस हैं, पांचों मेश टोपोलॉजी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड इन अ मेश लिखा भी है, बट फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कि
कि जो हमारे पीआरएस सर्वर लोकेशंस हैं वो किस टोपोलॉजी में जुड़े हैं, तो आपको याद होना चाहिए मेश टोपोलॉजी में जुड़े हैं। और पांच ये लोकेशन कौन कौन से हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, एमपीएलएस के लिए भी अगर क्वेश्चन आता है कि एमपीएलएस में कितने गेटवेज इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं एमपीएलएस के नाम पर, तो चार गेटवे हैं एमपीएलएस। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पर गेटवे रखे हुए हैं। कैसा, कौन सा गेटवे है, इंटरनेट गेटवेज, यानी ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे गेटवेज जो हैं इन चार लोकेशंस पर सेटअप किए गए हैं। किसका, एमपीएलएस का, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब जब पीआरएस यूटीएस की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पांच लोकेशंस हैं, क्योंकि ये चार तो है ही, पांचवा एक हमारा सिकंदराबाद भी है। क्लियर हुआ एमपीएलएस और पीआरएस यूटीएस का जो सर्वर लोकेशन है उनके बारे में। जी सर, एमपीएलएस में, यस सर, एमपीएलएस में कितने जगह पर गेटवेज लगाए हुए हैं, चार चार जगह पर, चार चारों जगह, महानगरों में। चारों महानगर में। और ये पीआरएस में एक एक्स्ट्रा हमारा बैकअप सर्वर लोकेशन है या रिकवरी सेंटर है सिकंदराबाद, इसलिए यहाँ पे पांच हो जाते हैं। ठीक है, 41 नंबर चलते हैं। अभी बाइट है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने बिट्स को मिला के बाइट बनता है, यानी 8 बिट की जो स्ट्रिंग होती है, 8 बिट के समूह को हम लोग बाइट कहते हैं। बट बाइट इज यूज फॉर द मेमोरी साइज, है ना, जब हम लोग मेमोरी की साइज बताने के लिए जब यूनिट्स और पैरामीटर्स यूज करते हैं वहां पर बाइट शब्द का इस्तेमाल होता है। बिट्स को लिखने के लिए स्मॉल बी लेटर इस्तेमाल होता है और बाइट लिखने के लिए कैपिटल बी इस्तेमाल होता है। तो लिखे हुए शब्दों पर भी ध्यान रखिएगा, अगर एमबीपीएस लिखा हुआ है, कैपिटल एम और बीपीएस स्मॉल में लिखा हुआ है, तो वो मेगा बिट्स पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर एम कैपिटल लिखा है और बी भी कैपिटल लिखा है और फिर पीएस छोटे में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो वहां एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। तो बाइट में बी कैपिटल होता है, जब भी बी कैपिटल लेटर देखिए तो समझिए वो बाइट की चर्चा हो रही है, और बी स्मॉल लिखा हुआ है यानी वो बीट्स की चर्चा हो रही है। तो बी कैपिटल और स्मॉल दोनों में बहुत फर्क है। जैसे ही बाइट बनेगा इसके अंदर 8 बिट भी हैं, ठीक है, तो बाइट में 8 बिट की स्ट्रिंग आपको प्रेजेंट रहती है, और बी कैपिटल और स्मॉल इस कन्वेंशन को याद रखिएगा। 42, टर्मिनल्स कनेक्ट टू द टर्मिनल सर्वर फ्रॉम देयर RS-232C। अब RS-232 प्रोटोकॉल है, उसमें दो तरह के टाइप्स होते हैं, RS-232C और RS-232D। सी और डी दो तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं RS-232 में। RS-232D किसको बोलते हैं, कौन सा वो पोर्ट है या कौन सा कनेक्टर किसको हम मानेंगे कि RS-232D है, तो वो है आपका पीसी में इस्तेमाल होने वाला 9 पिन कनेक्टर। RS-232D मतलब DB9, DB9 वाला जो पोर्ट इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर, हाँ वहाँ पर जो हम लोगों का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो है RS-232D। और जो 25 पिन वाला कनेक्टर जो हमको DB25 बोलते हैं डंब टर्मिनल में जहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो है RS-232C, और ये सीरियल पोर्ट्स हैं। तो यहाँ RS-232C और RS-232D जो है वो सीरियल पोर्ट या सीरियल बिट ट्रांसमिशन आप वहाँ पे कह सकते हैं। तो ये उसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टर्मिनल्स कनेक्ट टू द टर्मिनल सर्वर फ्रॉम देयर RS-232C सीरियल पोर्ट्स ओवर ए TCP/IP नेटवर्क। अब यहाँ पे बहुत थोड़ा सा समझने की चीज़ है, टर्मिनल्स कनेक्ट, टर्मिनल्स का मतलब क्या हो गया, डम्ब टर्मिनल्स जो हम कनेक्ट कर रहे हैं पीआरएस में, और वो फिर कनेक्ट हो रहा है टर्मिनल सर्वर से, बट टर्मिनल सर्वर के किस पोर्ट से, आउटपुट पोर्ट से, और वो पोर्ट होते हैं RS-232 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करने वाले, है ना, सी टाइप वाले, देखने में RJ45 होते हैं बट वहां पर सीरियल कम्युनिकेशन होता है, और वो पोर्ट सीरियल पोर्ट होते हैं। RJ45 भले कनेक्टर लगा होता है लेकिन वो सीरियल कम्युनिकेशन वाले होते हैं, ये उसी चीज को पूछने के लिए कहा गया है।
अब ओवर ए टीसीपीआईपी नेटवर्क क्यों कहा गया? क्योंकि जो टर्मिनल सर्वर का देखिए जो इनपुट पोर्ट है वो इथरनेट वाला होता है RJ45, बट वो TCP/IP वहाँ पर मॉडल इस्तेमाल होता है, और इसीलिए आप देखोगे कि टर्मिनल सर्वर का जो इनपुट पोर्ट है वो फिर फाइनली लैन एक्सटेंडर से होते हुए या स्विच से कनेक्ट होते हुए फिर राउटर तक जाता है इथरनेट के साथ में। बट टर्मिनल सर्वर पर जो आपका जो आईपी नेटवर्क है वो ट्रांसलेट हो जाता है सीरियल नेटवर्क में, सीरियल ट्रांसमिशन में, यानी RS-232C में, और वो क्वेश्चन इसी के संदर्भ में पूछा हुआ है यहाँ पे 42 नंबर। 43 है द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तो रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन या दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में एम्पलीफिकेशन सही शब्द होगा, एज एन एम्पलीफायर हम लोग यहाँ पर एम्पलीफिकेशन सर्किट की तरह इस्तेमाल करेंगे, है ना। आप जब हम लोग एम्पलीफायर्स पढ़ते हैं ना, क्लास ए क्लास बी क्लास सी एम्पलीफायर्स जो पढ़ते हैं, पुश पुल एम्पलीफायर्स, तो वहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को ही सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना अश्विनी? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर हमेशा एम्पलीफिकेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर्स को एज ए स्विचिंग एलिमेंट भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स स्विच का भी काम करते हैं, ट्रांजिस्टर से स्विचिंग फंक्शंस भी जो है हम लोग इंश्योर करा सकते हैं, बट यहाँ चूंकि एम्पलीफिकेशन लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर एम्पलीफिकेशन सही शब्द होगा, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता है। 44 है मॉडेम इज डैश इन द डेटा लॉगर इन द फॉर्म ऑफ कार्ड, तो मॉडेम जो होता है वो इनबिल्ट आइटम है जो डेटा लॉगर के अंदर में कार्ड के फॉर्मेट में ही लगा होता है। जैसे RTU हम पढ़ते हैं, रिमोट टर्मिनल यूनिट, जिसको मिनी डेटा लॉगर भी कहते हैं, वहां पर मॉडेम का जो काम होता है वो PCB यानी कार्ड के फॉर्मेट में ही वहां इनबिल्टली इंस्टॉल्ड रहता है, तो यहाँ पर एक्सटर्नली नहीं होगा, ये इनबिल्ट होगा। अभी आप लोग डेटा लॉगर वगैरह के फेलियर में कभी रिले रूम में गए हैं जहाँ वो लोग नहीं सर। मॉडेम को रीसेट करते हैं? वो मॉडेम बाहर नहीं अंदर ही होता है। जी हाँ सर, एक में लगाए हैं। रैक में लगा होता है वो, वहाँ पे एक रीसेट बटन होता है, वो उसको प्रेस कर देते हैं तो मॉडेम वहाँ पे रीसेट हो जाता है, तो वो फॉरवर्ड सर्किट पे वो जो मॉडेम काम करता है, तो ये डेटा लॉगर में इनबिल्ट फॉर्म में रहता है, कार्ड के फॉर्म में ही रहता है वो। उसी चीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है, तो देखिए डेटा लॉगर के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए डेटा लॉगर को आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन इसके और भी आपको कहीं से मिले तो जरूर कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि डेटा लॉगर्स में हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं। 45 नंबर है COA, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, और ये COA किसके लिए होता है? कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन किसके लिए होता है? यादव कंट्रोलर के पास गाड़ियों के परिचालन की जानकारी थी। जो मैनुअल पहले जो हम चार्ट रेडी करते थे, मैनुअल जो एंट्री करते थे, उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट कर दिया गया, ताकि अब सेक्शन कंट्रोलर को सुविधा हो जाए, बहुत कुछ चीज़ों को मैनुअली मेंशन ना करना पड़े, लिखना ना पड़े, तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम प्रोवाइड कराया गया COA के नाम से, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन के नाम से। और इसमें जो डेटा है डेटा लॉगर से आता है, बट वो डेटा लॉगर से तो आता है, उसको इंटीग्रेट किया गया है फॉइस से। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल दिख रहा है कोई भी फॉइस का, बट UTS PRS और RTU, ये RTU तो इटसेल्फ डेटा लॉगर, तो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए 45 नंबर में वो फॉइस है, FOIS फॉइस, क्योंकि COA को हम लोग फॉइस के नेटवर्क में इंटीग्रेट कराते हैं डेटा लॉगर के साथ में, डेटा का जो जनरेशन हो रहा है डेटा लॉगर के थ्रू, वो डेटा कलेक्ट करके COA में हम लोग वहाँ से क्रॉस चेक करके या एंट्री करवाते हैं, है ना। तो COA का पूरा वर्किंग जो है फॉइस और डेटा लॉगर के इंटीग्रेशन पे ही है, तो यहाँ सही आंसर है फॉइस, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए नन ऑफ दीज वाला आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। COA इज इंटीग्रेटेड विद डेटा लॉगर्स एंड फॉइस। 46 नंबर है
NTES गेट्स द फीड फ्रॉम नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम में जो डेटा फीड है वो कहाँ से मिलता है उसको, NTES का जो डेटा है वो कहाँ से आता है। तो ये चूंकि वॉइस और डेटा लॉगर से इंटीग्रेटेड सिस्टम है COA, तो वहीं से हमें टाइमिंग इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। बट NTES बाई प्रोडक्ट ऑफ द वॉइस नेटवर्क, NTES को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना दूध का बाई प्रोडक्ट पनीर है, मक्खन है, तो दूध से ही पनीर निकलता है, मक्खन निकलता है, वैसे ही NTES का जो डेटा है वो फॉइस से निकलता है। बट फॉइस के किस पार्ट से निकलता है, वो है COA, क्योंकि COA को इंटीग्रेट करके रखा गया है डेटा लॉगर से। तो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से आती है, COA के सर्वर में आता है, COA के सर्वर से फिर वो NTES के सर्वर में हम उसको अपलोड करते हैं, NTES के सर्वर से फिर फाइनली, क्योंकि NTES जो है वो फॉइस का ही पार्ट है, तो NTES को हम लोगों ने फिर बाद में इंटरनेट से, रेलनेट से, सब जगह इंटीग्रेट कर दिया है, फिर UTN से भी इंटीग्रेट कर दिया है। कि आप या कह सकते हैं कि जैसे हम लोग स्टेशन पे कनेक्टिविटी आती है NTS की, तो वो अपर लेवल पर क्रिस ने उसको इंटीग्रेट कर रखा है अलग अलग नेटवर्क से। बट डेटा का जनरेशन COA के जो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है वहीं से होता है, और वो डेटा कहाँ से आता है, डेटा लॉगर से आता है, इसलिए सब इंटीग्रेटेड है, डेटा लॉगर फॉइस इंटीग्रेटेड है, तो ही हम लोगों को NTS का डेटा वहाँ से रिट्रीव होता है। ठीक है, 47 नंबर, द यूपीएस यूज फॉर सर्विलांस सिस्टम शैल बी ऑनलाइन यूपीएस विथ एन प्लस वन कॉन्फिग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग एन प्लस वन के, यानी एक वर्किंग है तो एक स्टैंड बाई कॉन्फिग्रेशन लेकर हम लोग काम करते हैं, इसलिए एन प्लस वन कॉन्फिग्रेशन होगा, एक वर्किंग स्टैंड बाई। ठीक है, अब स्टैंड बाई में भी अलग अलग स्टैंड बाई होते हैं, कोल्ड स्टैंड बाई, हॉट स्टैंड बाई। तो जब कोल्ड एंड हॉट दोनों इस्तेमाल करेंगे तो वो एन प्लस टू हो जाता है। बट हम लोग यहाँ पर फिलहाल सर्विलांस सिस्टम के लिए हम लोग एक हॉट स्टैंड बाई लेके चलेंगे, तो एन प्लस वन ही रखेंगे। बट यही यूपीएस, यही आई सप्लाई आईपीएस के केस में जब पूछा जाता है, एफआरबीसी के केस में, एफआरबीसी फॉर आईपीएस सप्लाईज एंड जो एफआरपीसी का वहाँ पे जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं कि आईपीएस में क्या होता है, तो वो एन प्लस टू हो जाता है। बट यहाँ पर हम लोग सर्विलांस सिस्टम के लिए एन प्लस वन लेके चलेंगे, यानी एक हॉट स्टैंड बाई लेके चलेंगे। वहाँ पर आईपीएस में क्या है, हॉट स्टैंड भी होता है कोल्ड, और एक कोल्ड स्टैंड बाई भी होता है, दो होते हैं, एन प्लस वन होता है, यहाँ पर एन प्लस वन होगा, क्योंकि एक हॉट स्टैंड बाई रहेगा, कोई कोल्ड स्टैंड बाई नहीं रहेगा। 48 क्या है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि विच टेक्नोलॉजी इनमें से कौन है जो कैन नॉट बी अप्लाइड इन एन एनालॉग वीडियो सिस्टम। एनालॉग वीडियो सिस्टम के लिए इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी एप्लीकेबल नहीं है। तो आईपीआईएस में हम लोग एनालॉग वीडियो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हमारा जो एक तरह से कोएक्सियल का जो वर्किंग है या वीजीए की वर्किंग है वो एनालॉग ही तो है, वीडियो सिग्नल वहाँ एनालॉग के फॉर्मेट में है। बट पावर ऑन इथरनेट जो है यहाँ पे हम लोग एनालॉग सिस्टम, एनालॉग वीडियो सिस्टम नहीं, डिजिटल वीडियो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं यहाँ पे, डिजिटल सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, आईपी नेटवर्किंग को, आईपी नेटवर्क्स के थ्रू आईपी जो डिवाइसेस हैं, आईपी नेट बेस्ड डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो POE पावर ओवर इथरनेट, इन्होंने पावर ऑन इथरनेट लिखा है, तो POE जो है वो एनालॉग वीडियो सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं होता है। और POE स्विच आप लोगों ने देखा है, POE कैमरा आप लोगों ने देखा है, तो उससे आप लोग इसको समझ सकते हो कि वहाँ पर हम लोग आईपी वाले सिस्टम से इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल सिस्टम से इस्तेमाल करते हैं, है ना, आईपी कैमरे होते हैं, स्विचेज होते हैं, वहीं पर पीओई का इस्तेमाल होता है। एनालॉग वीडियो सिस्टम कहने का यहाँ मतलब क्या है, एनालॉग कैमरे और कोएक्सियल केबल का जहाँ सेटअप इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे विथ कोएक्सियल केबल्स, वहां पर पीओई का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, 48 समझ में आ रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, एनालॉग वीडियो सिस्टम में क्यों पीओई इस्तेमाल नहीं होता है।
इसमें सर डीवीआर जो होता है ना, एनालॉग में सर डीवीआर होता है ना सर? हाँ, एनालॉग में डीवीआर होता है, और वहाँ पे सिंपल सी बात है कि डीवीआर तो ठीक है, डीवीआर नेटवर्क पे भी काम करता है, बट कैमरा जो होता है वो एनालॉग यानी कोएक्सियल केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो कैमरे भी होते हैं वो एनालॉग नेचर के होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पीओई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पीओई हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैट सिक्स केबल में डेटा के साथ साथ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो कैट सिक्स केबल को सपोर्ट करने के लिए डिजिटल सिस्टम चाहिए, आईपी वाले चाहिए, इस वजह से ये यहाँ पर आंसर होगा पीओई। 49 वीडियो एनालिटिक्स इज ए खालिस्तान दैट इज यूज टू मॉनिटर वीडियो स्ट्रीम्स इन नियर रियल टाइम। तो वीडियो एनालिटिक्स जो है ये सर्वर है, वीडियो एनालिटिक्स सर्वर है जो हम लोग स्टैब्लिश करते हैं, वीडियो एनालिटिक्स सर्वर बोलते हैं उसको। वहाँ पर सर्वर में क्या होगा, हार्डवेयर भी होगा सॉफ्टवेयर भी होगा, दोनों होगा, और उनके माध्यम से हम जो कोई भी रिकॉर्डेड कोई वीडियो स्ट्रीम्स हैं उनको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, या जो लाइव आ रही है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखिए, वीडियो सर्वेलांस सिस्टम में तीन चार तरह के हम लोग सर्वर इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक वीडियो एनालिटिक्स जो फीचर है वो हम लोग वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर जो होता है उसके थ्रू ही हम लोग वहाँ मॉनिटर करते हैं, है ना। तो ये जो बोथ ऑप्शन है, चूंकि सर्वर इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है दोनों का वहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। 50 नंबर, डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन पीडीसी। अब जब पीडीसी कह दिया ना, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि आईपीआईएस से रिलेटेड चीज़ है ये, और सीजीडीवी भी लिखा हुआ है, मतलब ये आईपीआईएस की चीज़ है, बट आईपीआईएस में बहुत सारे वर्जन्स हैं। आईपीआईएस पहले वर्जन 0 था, फिर वर्जन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, और अब आईपी बेस्ड आईपीआईएस आ चुका है। तो ये जो पीडीसी जो टर्म है प्लेटफॉर्म डेटा कंट्रोलर, ये आईपीआईएस रिवीजन 4 की चीज है, और आईपीआईएस रिवीजन 4 में जो कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड हैं वो सीरियल कम्युनिकेशन पर आधारित होते हैं, यानी RS-485 वाला जो फीचर है उस पर काम करता है ना। तो जो आईपीआईएस रिवीजन 4 में एक दो पॉइंट आप लोग अभी नोट कर सकते हैं कि जो मल्टी लाइन बोर्ड से डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, जो सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, जो एट ए ग्लांस डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, वो इथरनेट पर चलते हैं, उनमें आईपी एड्रेस इस्तेमाल होती है, लेकिन आईपीआईएस रिवीजन 4 का जो सीजीडीवी यानी कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड है वो RS-485 पर ही चलता है, जैसे पहले चलता था MDCH PDCH वाले जमाने में। तो कोच गाइडेंस के बोर्ड आईपीआईएस रिवीजन 4 में पीडीसी से कनेक्ट होते हैं, बट जो इंटरफेस होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो RS-485 होता है, और इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। हाँ बोलिए। सही क्वेश्चन है ये, अभी जो LVH कोच है उसके लिए सर दो सीजीएस बोर्ड के बीच का कितना डिस्टेंस होना चाहिए सर? LBH कोच, जो LHB जो कोचेज हैं, तो ये थोड़े से लंबे हैं, बट हम लोग एवरेज 23 मीटर का लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे सर ये आइस का कोच है उसकी लेंथ हो जाती है 22.22.28 मीटर, और LBS सर 24 आ रही सर ना, हाँ, तो तो उसमें थोड़ा सा बफर कम होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली जो पहले जो ब्लू वाली कोचेज इस्तेमाल होती थी उसमें ऐसा कुछ होता था कि 21 मीटर की कोच होती थी और एक एक मीटर का बफर होता था दोनों साइड में, तो वो मिला जुला के 23 मीटर का हम लोग एक अंदाजा लेके चलते हैं। तो 23 मीटर के अगर गैप पर अगर आप कोच गाइडेंस बोर्ड लगाते हैं तो वो एग्जैक्टली किसी ना किसी कोच के सामने ही आएगा, कभी भी वो बीच बफर पे नहीं आएगा। तो इसका सो आइडिया को डालने आया सर इसका सर? इसका अभी रिसेंटली मैंने देखा नहीं है, बट 23 वाला तो पहले से चलता आ रहा है। ओके सर, हाँ, 23 मीटर्स का गैप होना चाहिए ताकि जो भी कोच गाइडेंस के बोर्ड हैं वो किसी ना किसी कोच के मिड में आए, बीच में आए, ताकि वो मिसमैचेज ना हो, जो कोच है उसके सामने ही वो बोर्ड रहे, वो थोड़ा आगे पीछे चलता है बट
जो कोच का जो लेंथ है ना उसका फर्क तो पड़ता है ना, उसका फर्क पड़ता है। तो हम लोग 23 मीटर का अगर मान लीजिए कि एवरेज लेके चलते हैं तो 25 या 26 कोच गाइडेंस के बोर्ड इंस्टॉल करने होते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ भी होना चाहिए उतना। तो सब मिला के देखना होता है कि हम जो डिस्टेंस है बिटवीन टू बोर्ड्स वो कितना रखें ताकि हमारा प्लेटफॉर्म भी कवर हो जाए और ऐसा कोई सिचुएशन ना बन जाए कि एक ही कोच के सामने दो बोर्ड आ जा रहे हैं, या ऐसा कोई सिचुएशन ना बन जाए कि कोच के सामने कोई बोर्ड ही नहीं आ रहे। तो एक मैनुअल जो होता है ना हम लोगों को चेक करना होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ के हिसाब से और जो स्टॉप सिग्नल यानी स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर सिग्नल जो होता है उससे फिर इंजन पहले खड़ी होती है और उसके करस्पॉन्डिंग फिर पीछे जितने भी कोचेज होंगे जो भी उस ट्रेन का फॉर्मेशन होगा उसके आधार पर फिर वो प्लेटफॉर्म के अंत तक जा रहा है या बीच तक ही रह जा रहा है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, स्टार्टर सिग्नल कहाँ है, ट्रेन कहाँ खड़ी होगी, स्टॉप कहाँ पे है उसका, और उससे फिर 23 मीटर पे हम लोग चाहें तो बोर्ड लगाएं या 22 मीटर पे लगाएं, 21 मीटर पर लगाएं, बट ऐसा लगाएं कि मैक्सिमम हमारा जो लेंथ है प्लेटफॉर्म का वो कवर अप हो जाए। और 21 मीटर 22 मीटर में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, जो कोच गाइडेंस के बोर्ड रहते हैं ऑलमोस्ट वो सामने आ ही जाते हैं, है ना, कोचेज लंबे हैं। ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म लेंथ है ना 60 मीटर का, ऐसा आई थिंक कुछ गाइडलाइन आया हुआ है, और अपने को 25 कुछ के हिसाब से अपना ही करते थे, तो तो ये मिनिमम वही 23 से 25 तक कर सकते हैं ना। हाँ हम लोगों ने जो इंस्टॉलेशन कराया था अपने समय में तो वो 23 मीटर पे ही कराया था, बट ये प्लेटफॉर्म की लेंथ पर भी निर्भर करता है, आपके प्लेटफॉर्म की लेंथ कैसी है उस पर थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्क्रीट रूल है कि उतना ही पे लगाना है, बस कोई कोच ब्लैंक ना हो जाए, कोई कोच ऐसा ना पड़ जाए कि उसके सामने कोई कोच कोच गाइडेंस का कोई बोर्ड ही नहीं है, और कोई कोच ऐसे ना बन जाए कि वो पता चला कि दो दो कोच गाइडेंस के बोर्ड सेम एक ही कोच के सामने आ गए, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, इन केस नो जीपीएस डेटा इज अवेलेबल द क्लॉक शैल डिस्प्ले द लोकल विस काइंड ऑफ टाइम। तो जब जीपीएस डेटा नहीं है दैट मीन्स क्या है, हम लोग जब डिजिटल क्लॉक इस्तेमाल करते हैं प्लेटफॉर्म पर तो उसमें जीपीएस रिसीवर कार्ड लगा होता है और जीपीएस एंटीना लगा होता है, फिर जीपीएस का एंटीना मान लीजिए काम नहीं कर रहा है, या वो जो कनेक्टिविटी हम लोग एंटीना से जीपीएस कार्ड के बीच में जो लग लगा के और केबल लगा के जो कनेक्ट करते हैं, जिस कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करते हैं उसमें अगर कोई समस्या है या जीपीएस रिसीवर ही फॉल्टी है, तो जीपीएस यानी जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो सेटेलाइट्स हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सेटेलाइट्स, तो वो सेटेलाइट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सेटेलाइट्स, ठीक है ना, जीपीएस सेटेलाइट्स बोलते हैं, तो ये डेटा जब नहीं मिलेगा तो क्या घड़ी काम करना बंद कर देगी? घड़ी काम करना बंद नहीं करेगी, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट सर्किट उसके अंदर लगी होती है जिसको बोलते हैं रियल टाइम क्लॉक, RTC, और ये सभी घड़ियों में होती है। और रियल टाइम क्लॉक कहाँ मिलेगा आपको? आपके घड़ी का जो सीपीयू कार्ड है उसी में इसका एक सर्किट इंस्टॉल मिलेगा RTC का। बेसिकली RTC एक तरह का फ्रिक्वेंसी काउंटर है जो समय के साथ में अपने काउंटर को रोटेट करती रहेगी, सेकंड सेकंड से फिर मिनट, मिनट से फिर आवर्स, और फिर आवर्स जब सारे 59 59 59 ऐसे करके बढ़ते 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 एक समय पर 23:59:59 होगा, काउंटर फिर से रीसेट होगा, ऑल विल बी जीरोस, फिर वहां से 01 12 3 4 चालू हो जाएगा, फिर वहां से 1 2 3 4 जो घंटे हैं घंटे बढ़ने लगेंगे, पहले सेकंड बढ़ेगा, सेकंड से फिर मिनट बढ़ेगा, फिर घंटे बढ़ेंगे, ऐसे करते करते चलता रहता है। तो वो लोकल सर्किट है, वो लोकल टाइमिंग अरेंजमेंट, टाइमिंग जो है काउंटर है टाइम डिस्प्ले करने के लिए, वो काउंटर इंडिपेंडेंटली वहाँ काम कर रहा होगा, चाहे जीपीएस रिसीवर काम करे, जीपीएस एंटीना काम करे या ना करे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें कि जीपीएस का डेटा अगर उपलब्ध नहीं है तो क्लॉक बंद नहीं हो जाएगा, वो डेटा यानी टाइम शो करेगा, बट वो टाइम कहाँ से लाएगा? उस जो लोकल जो फ्रिक्वेंसी काउंटर जो लगा हुआ है जिसको हम RTC कह रहे हैं उससे टाइम लेकर उसको डिस्प्ले कराएगा। ठीक है आप लोग घड़ी ओपन करके देखे हो, घड़ी में कितने सीमॉस सेल होते हैं?
कभी एक कोई होता है सर सीपीयू एक कार्ड, होता है सीपीयू में होता है, जीपीएस रिसीवर में भी कोई या सीमो सेल होता है। जीपीएस में होता है सब ध्यान नहीं है कोई बात नहीं, सीमो अभी। सेल सीमोस वो जो सीपीयू कार्ड में जो सीमो सेल आपने बोला अभी, वो किस काम के लिए है? वो ईसीआरटीसी को चलाने के लिए है। ये जो रियल टाइम क्लॉक जो जिसको हम कहते हैं रियल टाइम क्लॉक सर्किट, जिसमें फ्रीक्वेंसी काउंटर होती है, उसी फ्रीक्वेंसी काउंटर को रोटेट कराने के लिए, चलाते रहने के लिए, चाहे घड़ी की एक्सटर्नल सप्लाई बंद ही क्यों ना हो जाए, वो जो आरटीसी है वो चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी? क्योंकि इसको जो सीमो सेल आपने लगाया है 3 वोल्ट का, वो उस काउंटर को चलवाती रहेगी। और ये आरटीसी ऐसा नहीं है कि घड़ियों में ही होती है, ये आरटीसी आपके लैपटॉप में भी होता है, पीसी में भी होता है, आपके रिस्ट वॉच में भी होता है, सब में आरटीसी होते हैं। जो जीपीएस से डेटा तो हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के लिए लेते हैं, लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गया, जीपीएस रिसीवर फेल हो गया, या जीपीएस एंटीना काम नहीं कर रहा, या शेडेड रीजन आ गया जिसकी वजह से जीपीएस सेटेलाइट से हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो टाइम ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा दिखाना, टाइम चलता रहेगा। वो आरटीसी जो है सर्किट जो लगी हुई है वो उसको इंश्योर करेगी, वो काउंटर इंश्योर करेगा कि आपका टाइम जो है बढ़ता रहे। बाद में फिर जब जीपीएस का डेटा आने लगेगा तो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, जो भी 30-40 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी डिलेड हुआ हो रहेगा या जो लैग हो रहा होगा वो कवर अप कर लेगा, वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, बट घड़ी बंद नहीं होगी, स्लो हो जाएगी 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में स्लो हो जाएगी, बट टाइम देना बंद नहीं करेगी। लेकिन हाँ, वो सीमा सेल अगर आपका गड़बड़ हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो जरूर वो टाइमिंग आप सेट करोगे, घंटे भर में, 2 घंटे में, दिन भर में वो वापस स्लो डाउन हो जाएगा। एक रीजन हो सकता है, ठीक है। जीपीएस क्लॉक में मास्टर और स्लेव भी कुछ होता है? पहले चलता था, पहले कॉन्फ़िगरेशन चलते थे मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें एक मास्टर यूनिट होता था और उससे 6 स्लेव घड़ियां लगी होती थी, और वो केबल के माध्यम से कनेक्टेड रहता था। तो जो आरटीसी है, जो रियल टाइम क्लॉक सर्किट है, वो मास्टर यूनिट में होता था, और मास्टर यूनिट को ही जीपीएस रिसीवर से भी, जीपीएस रिसीवर के माध्यम से और जीपीएस एंटीना के थ्रू कनेक्ट करके हम लोग जीपीएस सेटेलाइट से जोड़ देते, मतलब वो कम्युनिकेशन सेटअप करवा देते थे। अब मास्टर की जिम्मेदारी होती थी कि वो सभी स्लेब्स को सही टाइम दे, स्लेब उस जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो मास्टर से लेंगे, और जितने भी स्लेब थे वो डेजी चेनिंग सिस्टम में थे, यानी मास्टर से स्लेब को डेटा मिलेगा, फिर स्लेब दूसरे स्लेब को देगा, दूसरे स्लेब को देगा, ऐसे करके 6 की लिंक बनती थी। 6 घड़ियां जो है स्लेब क्लॉक्स है, वो एक लिंक में होती थी। तो मास्टर अगर में प्रॉब्लम आएगी तो स्लेब में भी प्रॉब्लम आएगी, बट उसमें ऑप्शन होता था कि अगर मान लीजिए कि मास्टर बिल्कुल ही फेल हो गया तो स्लेब आरटीसी पर काम करेंगी, यानी लोकल जो फ्रीक्वेंसी काउंटर वहां लगा हुआ है उस पर काम करना चालू करेंगी। बाद में रेलवे ने इस चीज को हटा दिया कि क्यों ना हम सभी स्लेब क्लॉक्स को मास्टर पे निर्भर ना करके सबके अंदर ही जीपीएस वाला सिस्टम डाल दें, लोकल तो चल ही रहा था, उसमें जीपीएस को भी अगर हम अटैच कर दें तो सारे स्टैंड अलोन मोड में काम करेंगी। तो 2 तरह के हमारे पास में मोड हैं घड़ियों में, मास्टर स्लेब मोड और एक होता है स्टैंड अलोन मोड। तो स्टैंड अलोन मोड का मतलब होता है कि बस घड़ी दिखेगी, उसके अंदर ही सारा वो पार्ट्स वगैरह सब कुछ उसी में है, सीपीयू कार्ड भी है, जीपीएस कार्ड भी है, एंटीना लगा दीजिए और बस उसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई दे दीजिए और कहीं पर भी ले जाकर टांग दीजिए, कहीं पर भी हैंग कर दीजिए, वो वहीं से काम करना शुरू करेगा। उसको एक्सटर्नली कहीं से डेटा लेने की आवश्यकता, यानी किसी मास्टर यूनिट से डेटा लेने की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट यूनिट हो जाएंगी। तो आज से 7 पहले 7 5 6 साल पहले, 7 साल पहले मास्टर स्लेव क्लॉक चलते थे, बट अब नहीं चलते, अब तो सब सारी जो डिजिटल क्लॉक से मैक्सिमम इंडिपेंडेंट हो गई हैं, स्टैंड अलोन हो गई हैं। ठीक है बलराम, समझ में आया? जी सर, हाँ, मास्टर स्लेव चलती थी पहले, और उसमें मास्टर में वो टाइम का सिंक्रोनाइजेशन हम लोग को मेंटेन करना होता था ताकि स्लेव में वो टाइम सही से चलता रहे, मिलता रहे उनको। बट केबल की दिक्कत, कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई, सिंक्रोनाइजेशंस, बहुत सारी दिक्कतें थीं, और 6 घड़ी जो लगनी है वो डेजी चेन में लगनी है ना, तो एक तो लिमिट होगा ना कि कहाँ तक वो लगेंगी। पहले प्लेटफॉर्म छोटे थे, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स भी नहीं होते थे, तो
घड़ियों की उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम लोग एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वे में नहीं इस्तेमाल करते थे, बट अभी तो घड़ी हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर है। प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ रही है, एक ही प्लेटफॉर्म पे दो दो तीन तीन घड़ी भी लग रही हैं, वैसे वैसे सात आठ प्लेटफॉर्म, दस दस प्लेटफॉर्म हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा घड़ियों की रिक्वायरमेंट आई तो मास्टर स्लेव कॉन्फिग्रेशन हमारा सफिशियंट तब नहीं रह गया था, इसलिए हम लोग स्टैंड अलोन मोड में चले गए। इंडिपेंडेंट घड़ियों को हम लोगों ने हैंग करना शुरू कर दिया और उसमें फायदा हो गया, जहां मन वहां हमने टांग दिया, जितनी मर्जी उतना टांगा। चलिए 52 नंबर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड फॉर वायरलेस लैंड। डब्ल्यू लैंड का मतलब होता है वायरलेस लैंड। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है कि कौन से आर एफ बैंड में हमारा वायरलेस लैंड काम करता है। तो ऑप्शन 0.4 GHz है, 2.4 है और 1.2 GHz है ना। तो हमारे पास में दो बैंड है जिसमें हम लोग वाईफाई सिस्टम अपना इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस लैन इस्तेमाल करते हैं। एक है 2.4 GHz और एक है 5 GHz, है ना। तो दो बैंड है, 2.4 GHz और 5 GHz। तो यहाँ पर चूंकि 2.4 ही दिया है, 5 दिया नहीं है, अगर 5 दिया होता तो ऑप्शन एक बोथ भी होता है, बोथ ऑफ यानी दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 2.4 GHz वायरलेस लैन के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए आ गया क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड के ऊपर। ये सब चीज़ें थोड़ी सी याद रखने की होती हैं, है ना, कि बैंडविथ जो है 8.2.11a वायरलेस लैन का जो बैंडविथ है वो 54 Mbps होता है। ये डिफाइंड है कि 54 Mbps होता है 802.11a वाला जो स्टैंडर्ड है उसके लिए, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, मेमोराइज करनी पड़ेंगी। उसमें से ये भी है कि 802.11a टाइप स्टैंडर्ड टाइप का जो वायरलेस लैन है उसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 54 यानी 54 Mbps की होती है। 54 क्रिस, CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है वो है इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन होती है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। FDDI, ये एक फुल फॉर्म आप लोगों को शायद पहले नाम भी मिला हो, FDMS आप लोगों ने सुना था, बट FDDI भी होता है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, है ना। ये हम लोग फाइबर जो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं उसका एक टर्मिनोलॉजी है ये, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। FDMS अगर होगा तो क्या होगा उसका, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम होगा, है ना। तो ये FDDI इक्विपमेंट लेवल पे ये काम करता है हमारा, FDDI वाला जो ये पार्ट है इक्विपमेंट लेवल पर है। और FDMS होता है जहाँ पर फाइबर का एक्चुअल टर्मिनेशन होता है, FTP और FDF, वहाँ पे हमारे दो टर्मिनेशन बॉक्सेस होते हैं और वो कनेक्टर्स जो लगते हैं आपके। तो FDMS आपका ट्रे वाला सिस्टम हो गया जहाँ पर वो फाइबर आके टर्मिनेट होता है, और ये FDDI इक्विपमेंट लेवल की बात की जा रही है पे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। अब इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द इस्तेमाल हुआ नहीं है तो नन ऑफ दीज होगा। तो ये सब थोड़ा सा टिपिकल टर्म्स हैं, आप लोग कहीं लिख के रख लेना, देख लेना। ICMS, इसमें एक वर्ड मिसिंग है और ये इसमें है भी नहीं, ये चारों ऑप्शन में वो नहीं है। आज ही आप लोग ने शायद लेक्चर में भी सुना था अभी थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अभी कोच नहीं होता है, कोचिंग होता है, बट ठीक है, अब पूछा हुआ है तो इंटीग्रेटेड होता है, बट इंटीग्रेटेड यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम। पोएट में फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, ऑपरेटेड मिसिंग है, पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। टर्मिनल, हाँ, तो पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल होगा। अब ये कुछ शब्द हैं थोड़े से टिपिकल टाइप के, सत्संग, संचार एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस, ये कुछ कुछ शब्द आते हैं जैसे सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, DOT की तरफ से अनाउंस्ड होते हैं तो, या रेलवे बोर्ड की तरफ से, तो उसमें ये एक शब्द है सत्संग, है ना। संचार इसका पहला शब्द है, संचार एडेड ट्रेन शेड्यूलिंग एंड नेटवर्क
गवर्नेंस, तो आप लोग नोट कर लेना इसको। 59 है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस, बट यहाँ पर कहीं भी कमांड ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस भी होगा, है ना। तो यहीं पर जाके सब लोग ज़्यादा गलती करता है कि नन ऑफ दिस जनरली ऑप्शन में हम लोग नहीं चाहते या नहीं मानते हैं कि नन ऑफ दिस भी हो सकता है, बट देखा आपने 4-5 क्वेश्चन में नन ऑफ दिस थे, तो यहीं पर गलतियां होती, फिर यहीं पर हम लोगों के कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े शॉर्ट रह जाते हैं। अब ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है PRS के संदर्भ में, कॉन्सर्ट बोलते हैं, कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इनहेंस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। इसके पहले ये एक कॉन्सर्ट क्या है, प्लेटफॉर्म है, हमारा जो बुकिंग प्लेटफॉर्म है PRS का वो कॉन्सर्ट है। जब भी आप PRS में कभी लिंक अगर आप चेक करने गए होंगे, और जब डम्प टर्मिनल स्टार्ट होता है, जब इनिशलाइज होता है, तो उस टाइम में कॉन्सर्ट लिखा हुआ एक स्क्रीन दिखाई देती है। UTS के केस में UTS लिखा रहता है, और PRS के केस में कॉन्सर्ट लिखा हुआ आता है। सब लोगों ने देखा है क्या? यस सर। हाँ, जब आपका डम्प टर्मिनल स्टार्ट करोगे ना, इनिशियलाइज करोगे, मान लो पावर सप्लाई आपने ऑफ कर दिया, बाद में जब आप ऑन करेंगे लिंक से कनेक्ट करके, तो इनिशियलाइजेशन में ही ये टर्म आपको स्क्रीन आएगी कॉन्सर्ट लिख के, CONCERT। थोड़ा सा लिखने का तरीका उसका अलग होता है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कॉन्सर्ट लिखा हुआ दिखेगा, कंट्री वाइड। अब पहला शब्द सी है, तो उसका फुल फॉर्म होता है कंट्री वाइड, है ना, कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इनहेंस रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। तो यहाँ पे कंट्री वाइड शब्द है ही नहीं, काउंटर तो है, कंट्रोल भी है, सरकमफ्रेंस है, बट कंट्री वाइड नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो आप लिख लो कंट्री वाइड, है ना, सी मतलब कंट्री वाइड, CONTRY WIDE, कंट्री वाइड। अब ये कॉन्सर्ट जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत पहले से नहीं है, इसके पहले एक और प्लेटफॉर्म था, उसको बोलते थे इम्प्रेस, इम्प्रेस करके एक प्लेटफॉर्म था हमारा, जिस पर हमारा टिकट की बुकिंग होती थी। ये जब कॉन्सर्ट डेवलप किया गया, ये जब बुकिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया कॉन्सर्ट का, PRS का, तो इससे फिर पूरी जो आप आज के डेट में जो टिकटिंग देखते हो ना, कि हम कहीं भी किसी भी स्टेशन से, इंडिया के किसी भी स्टेशन की टिकट, कहीं से कहीं की टिकट हम बुक कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एंड दिस बुकिंग प्लेटफॉर्म, ये पहले नहीं संभव था। पहले प्रॉपर्टीज थी कि आप जिस जोनल सर्वर लोकेशन पे रहोगे उधर की टिकट निकलेगी, वहीं से टिकट बुक होंगी, बट इतना लिबरल और फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं था हमारे पास में, कि आज हम अपने यार दोस्त के लिए भी कहीं भी छोटे से गांव में बैठ के, कहीं कोने में बैठ के उसकी टिकट हम बुक कर देते हैं, और वो टिकट आप किसी दूसरे मोड से उसको हैंडओवर कर देते हो। तो ये कॉन्सर्ट का ही इसमें रोल है, कि कॉन्सर्ट की वजह से ही हम ये आज कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एक रिवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था क्रिस ने कॉन्सर्ट का। चलिए, तो ये हो गया आपका 60 नंबर। आगे चलते हैं 61, NGET, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सर्विस सिस्टम। तो न्यू और नेक्स्ट, ये हम लोग ज़्यादातर इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं और गलतियाँ भी करते हैं। तो जैसे NGN में हम लोग हमेशा न्यू जनरेशन नेटवर्क, न्यू जनरेशन नेटवर्क याद रख, कभी कभी लगता है कि ये भी हो सकता है, वैसे ही NGT का भी है, कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन होता है। जहाँ भी NG शब्द रेलवे में जनरली इस्तेमाल हो रहा है ना, वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन शब्द ही इस्तेमाल हो रहा है। NGN में भी नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, और ऐसे ही यहाँ पे भी एक मिलता जुलता शब्द आपको दिखा, NGET, नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम। तो आपका आंसर होगा नेक्स्ट। 62 नंबर है, थिन क्लाइंट विल वर्क फॉर हाउ मच ऑफ आवर्स इवन वेन लिंक इज डाउन, मतलब अगर थिन क्लाइंट का लिंक डाउन हो भी जाए तो भी ये कितने घंटे काम करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, 72 आवर्स। और ये थिन क्लाइंट लिखा है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि ये थिन क्लाइंट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, बट हमारी जो एक साइकोलॉजी है कि हम जब थिन क्लाइंट सुनते हैं तो UTS को ही हम मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप होशियार हैं, दिमाग अगर लगा देंगे, तो फिर कंफ्यूज भी होंगे, क्योंकि थिन क्लाइंट तो आजकल
पीआरएस में भी इस्तेमाल हो रहा है, बट थिन क्लाइंट का जो 25 पिन वाला कनेक्टर है वो वहाँ काम में लाया जाता है। वही थिन क्लाइंट हम आजकल पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग सीएमएस लॉबी में इस्तेमाल कर रहे हैं। थिन क्लाइंट का उपयोग हम बहुत जगह कर रहे हैं, एटीबीएम में भी कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं। बट ये जो क्वेश्चन 62 नंबर दिया हुआ है, ये यूटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, लिखा नहीं है ये पर, अगर कोई चाहे तो चैलेंज भी कर सकता है, बट क्वेश्चन जो है वो यूटीएस को इंडिकेट कर रहा है कि यूटीएस की लिंक डाउन रहने पर भी थिन क्लाइंट जो है वो 72 आवर्स तक काम करेगा। पहले 72 आवर्स नहीं था, बहुत साल पहले ये 48 आवर्स होता था इसका टाइम, बाद में फिर 72 आवर्स किया गया। तो इसलिए आज के डेट में हमारा जो थिन क्लाइंट है यूटीएस का, वो 72 आवर्स तक बिना लिंक के भी काम करता है। बट करता क्यों है, कैसे करता है, एक थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको रखनी चाहिए कि यूटीएस का पूरा जो डिटेल्स पैकेज है सॉफ्टवेयर का, वो उस थिन क्लाइंट में इंस्टॉल रहता है, जिसमें स्टेशन नेम, फेयर, डिस्टेंस सब कुछ होता है। लिंक नहीं रहने पर टिकट तो बुक कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया, जितने भी स्टेशन हैं सबका डेटा उसके अंदर होता है, कितना किलोमीटर है, कितना उसका फेयर होगा, वो सब जनरेट करके वो बताएगा। लेकिन जो ऑनलाइन वर्किंग है, जैसे एमएसटी बनाना है या एमएसटी को रिन्यू करना है, वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सर्वर से क्रॉस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जो आपकी जो आईडी जनरेट हो गई होती है एमएसटी की, या जो भी नंबर जनरेट हुआ रहता है आईडी नंबर, उसको सर्वर से क्रॉस वेरिफिकेशन करना होता है। इस वजह से बिना लिंक के ये कुछ काम हैं जो नहीं होंगे, जैसे उसमें एमएसटी को रिन्यू करना, नया एमएसटी बनाना, टिकट कैंसिल करना, वो भी नहीं होगा, क्योंकि टिकट कैंसिल करने के लिए हम लोगों को आजकल 3 आवर्स का जो 3 घंटे का जो गैप है वो क्रॉस चेक करना पड़ता है, ये टिकट 3 घंटे के अंदर बुक हुई है या 3 घंटे के बाद बुक हुई है। अगर 3 घंटे के बाद बुक हुई है तो फिर तो कैंसिल नहीं होगा, 3 घंटे के अंदर अगर बुक हुआ है तो कैंसिल होगा, बट वो क्रॉस चेक कैसे होगा, सर्वर से कनेक्ट होने के बाद, बट वो सर्वर से जुड़ने के लिए तो लिंक चाहिए। इसी वजह से ऑफलाइन में हम लोगों की जो ये ऑनलाइन सर्वर से जुड़ के काम करने वाला जो भी सर्विस है, जैसे चार्ट समरी निकालनी, बुकिंग समरी निकालनी है, वो नहीं होगा। तो कुछ 4-5 प्रोसेसेस हैं जो लिंक में आने के बाद ही हो सकते हैं, विदाउट लिंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो 62 नंबर यूटीएस के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ऐसा मान के हम लोग 72 आवर्स यहाँ पर आंसर टिक करेंगे। 63 नंबर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टर्मिनल सर्वर इज ए वर्सटाइल एंड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम दैट प्रोवाइड्स RS-232 पोर्ट्स। जो मैंने कहा था आपको कि टर्मिनल सर्वर के जो आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन वाले पोर्ट होते हैं। एक कंसोल पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट किस लिए दिया जाता है, उस टर्मिनल सर्वर को प्रोग्राम करने के लिए, या उस टर्मिनल सर्वर को आप डम्प टर्मिनल लगा के चाहे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके प्रोग्रामिंग एंड पोर्ट्स को आप चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके लिए कंसोल पोर्ट दिया गया रहता है। उसमें 1 ईथरनेट पोर्ट और 8 पोर्ट इनबिल्ट ईथरनेट स्विच ये हो सकता है, मिनिमम 1 ईथरनेट पोर्ट तो होता ही है, और वो ईथरनेट पोर्ट होता है अपलिंकिंग के लिए, यानी जो हमारा राउटर है उसको कनेक्ट करने के लिए, यानी पीआरएस यूटीएस का जो राउटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब टर्मिनल सर्वर में जो आउटपुट पोर्ट होते हैं वो एसिंक्रोनस नेचर के होते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी डायलअप मॉडेम और टर्मिनल सर्वर के आउटपुट पोर्ट्स, इनके जो पोर्ट्स होंगे वो एसिंक्रोनस नेचर के होंगे, एसिंक्रोनस सीरियल बिट कम्युनिकेशन यहाँ पर टर्मिनल सर्वर में होता है। लेकिन विदाउट 35G703 वहां पर कौन सा था, सिंक्रोनस होते हैं। हाँ, सिंक्रोनस वो सिंक्रोनस होते हैं। तो ये कुछ कुछ शब्द हैं, याद रखिएगा। एक डिवाइस आया है उसको बोलते हैं NETS, N स्मॉल E कैपिटल T कैपिटल S, NETS, नेटवर्क टर्मिनल सर्वर। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने कहीं देखा था NETS नेटवर्क टर्मिनल सर्वर।
एन ई ई कैसे छोटा है, जैसे ऊपर में अभी देखा था हमने एन जी टी में ई छोटा था, तो वैसे ही वहाँ पे नेटवर्क टर्मिनल सर्वर फुल फॉर्म होता है, और वो एक डिवाइस है, ऐसा डिवाइस है कि उसके अंदर राउटर भी है, उसके अंदर सीरियल पोर्ट भी हैं RS-232 के जैसे टर्मिनल सर्वर में होते हैं, और उसमें 4 पोर्ट या 8 पोर्ट इथरनेट के भी पोर्ट हैं, यानी वो स्विच का भी काम करेगा। मतलब ये जो डिवाइस है नेटवर्क टर्मिनल सर्वर, ये एक तरह का हाइब्रिड डिवाइस है जिसमें राउटर भी होगा, यानी वैन पोर्ट्स होंगे, लैन पोर्ट्स मतलब वैन कनेक्टिविटी के लिए उसमें पोर्ट्स दिए गए होंगे, फिर उसमें RS-232 के भी पोर्ट होंगे जिससे आप डम्प टर्मिनल चला सकते हो, या जो भी जैसे टर्मिनल सर्वर से जो भी चलाते थे वो सब वहाँ से चल सकता है, और 4 पोर्ट का या 8 पोर्ट का इथरनेट स्विच की तरह उसमें पोर्ट्स बने रहेंगे जिससे कि आप UTS के थिन क्लाइंट्स को भी चला सकते हो विद द सेम डिवाइस। तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है, भी बहुत सारे रेलवे में कल चल भी रहे हैं, बट आप भी नाम ध्यान रखना, उसके अंदर के जो पोर्ट हैं वो भी ध्यान रखना कि राउटर है, टर्मिनल सर्वर के भी काम करने के लिए उसमें सीरियल पोर्ट्स हैं RS-232 के, और उसमें इथरनेट पोर्ट भी हैं ताकि हम थिन क्लाइंट जो Cat6 केबल से जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं UTS के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 64। NMS मॉनिटर्स द नेटवर्क यूजिंग विच प्रोटोकॉल। तो NMS के लिए यानी नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए SNMP जो हमारा प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसके फुल फॉर्म में ही नेटवर्क मैनेजमेंट लिखा हुआ है ना। तो SNMP एक प्रोटोकॉल है जो NMS में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। SNMP, HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो NMS के लिए HTTP और FTP की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर HTTP की जरूरत पड़ेगी, फाइल ट्रांसफर करना होगा तो वहां पर FTP की जरूरत पड़ेगी, लेकिन NMS के लिए हम लोगों को SNMP की जरूरत पड़ेगी। अब NMS अगर हम लोग अगर मान लीजिए कि पूछे कि कौन से लेयर में काम करता है, NMS जो है वो कौन से लेयर में काम करता है, तो NMS किसमें, एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि आजकल NMS वेब बेस्ड भी हो गए हैं, वेब बेस्ड हो गए हैं, तो वहां पर आजकल हम लोग HTTP का भी इस्तेमाल करके मतलब लिंक के माध्यम से, IP एड्रेस के माध्यम से हम लोग एक नेटवर्किंग करके हमने ऐसा नेटवर्क NMS बना रखा है कि आप आराम से उसको चाहें तो वेब ब्राउजर के ऊपर भी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर की चीज हो गई वो। 65 नंबर क्वेश्चन है, PAM स्टैंड्स फॉर पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल। ये जो COA है ना, कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, वैसा ही एक और सिस्टम है, उसको बोलते हैं PAM। पहले चलता था है ना, PAM चलता था, पंक्चुअलिटी असेसमेंट, आप कहीं असेसमेंट भी लिखा हुआ है, हमें कुछ कुछ जगहों पर असेसमेंट भी दिखा है, बट पंक्चुअलिटी एनालिसिस मॉड्यूल बोलते हैं, तो यहाँ जो एनालिसिस शब्द है वो इसका सही आंसर है। और ये PAM कहाँ इस्तेमाल होता है, सेक्शन कंट्रोलर के पास में, जहाँ COA इस्तेमाल होता था वहीं पर ये इस्तेमाल होता है PAM, मतलब ये कंट्रोल का काम, मतलब कंट्रोल ऑफिस का ये एसेट है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये जो हम लोगों के जो पिंग के जो पैकेट्स चलते हैं वो ICMP पैकेट्स बोलते हैं इनको, पिंग में जो 4 पैकेट्स निकलते हैं ना, 4 पैकेट्स 32 बिट वाले, 32 बाइट वाले, ये जो चलते हैं ये हमारे ICMP पैकेट्स होते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इनका फुल फॉर्म है। 67 फॉर VHF कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए, सबको पता है, हम लोगों में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं जानता होगा कि VHF का जो हमारा बेस रिसीवर है वो कितने वोल्ट की बैटरी पे चलेगा, है ना। चलिए 68, 68 में ये VHF से रिलेटेड क्वेश्चन है, सुटेबल हाइट ऑफ VHF एंटीना।
आप लोगों ने कभी मेजर किया है कितने हाइट पर लगता है अपना BHF कैंटीना? कभी कोई तार वार रिप्लेस किया है तो कभी मीटर वीटर पता चला है उससे कि कितने मीटर पे लगता है ये? ऐसा तो कभी नहीं, सर बात हो जाती है बस, हाँ ठीक है, पहले देखते देखते हाइट। हाँ हम लोग के सामने चेंज नहीं होता है ना, बहुत बार पहले ही चेंज हो गया है या कभी बाद में चेंज होगा, इतनी फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं होते हैं ये सब। फीडर जो केबल है हमारा वो इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। तो ये जो VHF एंटीना टू बी माउंटेड एट ए सुटेबल हाइट ऑफ 15 से 20 मीटर, ये आप नोट्स में ही पढ़ोगे तो 15 से 20 मीटर आपको लिखा हुआ मिलेगा। बट और भी बहुत सारे रूल्स हैं VHF एंटीना लगाने के, VHF सिस्टम जो उसके लिए कैसे लगाएंगे, कितनी दूरी पर होना चाहिए, एयरपोर्ट से कितनी दूरी होनी चाहिए, एंटीना हाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब एज पर मॉड्यूल मतलब टेलीकॉम मैनुअल में लिखा हुआ है, आप उसको देखना है एक बार। 69 नंबर है फीडर केबल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितने ओम का होना चाहिए, जो कोएक्सियल केबल जो एज ए फीडर केबल इस्तेमाल करते हैं वो 50 ओम अनबैलेंस्ड इम्पीडेंस, अनबैलेंस्ड कोएक्सियल केबल होता है 50 ओम इम्पीडेंस वाला, है ना? तो 50 ओम बिल्कुल रट लीजिए, यही होता है। 70 नंबर जो है, द वीसेट टर्मिनल हैज द कैपेबिलिटी टू रिसीव एज वेल एज ट्रांसमिट सिग्नल्स वाया द खाली जगह टू अदर वीसेट्स इन द नेटवर्क। अब ऑप्शन जो दिया हुआ है कॉपर मीडिया CCTV क्वाड, तो वीसेट टर्मिनल है तो एंटीना चाहिए ना वहाँ पे, तो वहाँ तो वीसेट से एक वीसेट दूसरे वीसेट से कम्युनिकेट तो एंटीना के माध्यम से करेगा, तो एंटीना चाहिए, सर एंटीना चाहिए और ट्रांसीवर चाहिए, है ना? तो यहाँ पर चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना ट्रांसीवर लिखा हुआ है ना एंटीना लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज होगा। ओके 71 जो है, रेंजेज ऑफ स्पेक्ट्रम मेक अप वीसेट। तो वीसेट में हमारे ये तीनों बैंड इस्तेमाल होते हैं, एक्सटेंडेड सी बैंड, KU बैंड और सी बैंड। ये वीसेट के जब आप थोड़े नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये सभी बैंड्स की चर्चाएं वहाँ पर की गई रहेंगी, एक्सटेंडेड सी बैंड, KU बैंड और सी बैंड, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। फिर 72 नंबर क्वेश्चन है, द वीसेट टर्मिनल शैल बी पावर्ड बाई, AC सप्लाई पर भी चलता है DC सप्लाई पर भी चलता है, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन होना चाहिए एनी ऑफ द टूज, एनी ऑफ ए एंड बी। AC सप्लाई पर भी चलता है DC पर भी चलता है। आप लोगों ने ATM देखा है ना, ATM सेंटर के ऊपर लगा रहता है वीसेट, ध्यान दिया आपने कभी? तो वहां पर तो बैटरी बैंक नहीं होता, वहां वो लोग UPS लगा के रखते हैं, तो वहाँ AC सप्लाई पे उनका वीसेट चल रहा होता है। और हम लोग जहाँ पर बैटरी बैकअप की सप्लाई वगैरह की व्यवस्था है, जहाँ AC फ्रिक्वेंटली डिसकनेक्टेड होते हैं, उतना परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं है, तो हम लोग DC वाला सेटअप वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आपके ERT वगैरह में जो वीसेट लगते हैं वो कैसे लगते हैं, UPS के थ्रू लगते हैं? ठीक है, तो वीसेट जो ERT में इस्तेमाल करते हैं वहां पर UPS के थ्रू चलता है, वहां पे तो वो AC सप्लाई पे चलता है। माइक कोई ऑफ कर लो किसी का, वो जो बज रहा जिसका, मैं रुको म्यूट कर देता हूँ। आगे खत्म कर देते, ज्यादा बच्चा नहीं है। हाँ 73 जो है ये पूछ रहा है पावर DVM में, DVM जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पावर को DVM में मेंशन किया जाता है और लॉस और गेन को DB में मेजर किया जाता है, तो पावर को हमेशा DVM में मेजर किया जाता है। जैसे ऑप्टिकल पावर मेजर करना होता है तो हम लोग उसको DVM में मेजर करते हैं, और जब गेन या लॉस को बताना होता है तो वो DB में हम लोग मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये A वाला जो फॉर्मूला है हमारा,
टेन इंटू लॉग 10 पी वॉट प्लस 30, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ए वाला, ये इस्तेमाल होता है डीबीएम के लिए, है ना। और ये वॉट को डीबीएम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, ये वाला ऊपर वाला जो है 10 इंटू लॉग 10 पी वॉट प्लस 30 वाला। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जीरो पावर किसको कहते हैं, जीरो पावर जो होता है वो कितने वॉट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, हमारे एग्जाम में भी आए हैं, आपके एग्जाम में भी आए हैं। जीरो पावर, जीरो पावर कितने वॉट को कहते हैं, तो जीरो पावर 1 मिली वॉट को कहते हैं। अगर आप इस फॉर्मूला पर बिठाएंगे ना 1 मिली वॉट को, तो ये -30 हो जाएगा, 10 इंटू -3 -30 और +30 दोनों कैंसल आउट कर देंगे, अंत में पावर बनेगा जीरो, क्योंकि पी वॉट जो लिखा हुआ है, अगर 1 मिली वॉट यहाँ पर अगर हम लोग रखें तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, और वो -3 बाहर निकल के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, तो 10 से जब -3 मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा, और ये +30 दोनों कैंसल आउट कर देंगे, इसलिए वो जीरो पावर को 1 मिली वॉट, मतलब या 1 मिली वॉट पावर को हम लोग जीरो डीबीएम मानते हैं, या इसको जीरो पावर वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, 74 है कि कौन सा जो प्रोटोकॉल है वो कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोडेक में ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, H.264। जैसे हम लोगों ने कल SIP के साथ देखा था ना, S.323 होता है, वैसे ही वीडियो कंप्रेशन के लिए S.264 कंप्रेशन मेथड इस्तेमाल होता है, और ये कोडेक में होते हैं, या आप इसको कह सकते हो कि आजकल जितने भी हम लोग वीडियो कंप्रेशंस वगैरह टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत बार फॉर्मेट चेंज कर देते हैं MP4 को MPG में, या FLV में, या MKV में, तो यहाँ पे कंप्रेशन जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो H.264 ही होता है। और हमारे रेलवे के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोडेक इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं, या जो सॉफ्टवेयर कोडेक इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे होते हैं, उसमें यही कंप्रेशन स्टाइल इस्तेमाल होता है, S.264। ठीक, 75 है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल DHCP इज ए कंप्यूटर डैश प्रोटोकॉल यूज बाय द डिवाइसेस, यानी DHCP क्लाइंट्स, विच डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट्स द IP एड्रेस टू द डेस्टिनेशन होस्ट। यानी IP एड्रेस डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी DHCP की होती है, बट वो क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट, जो डायनेमिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है वो IP एड्रेस ही करता है। तो जो IP एड्रेस है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग सिस्टम पे काम करता है, तो एड्रेसिंग होती है वो, नेटवर्किंग नहीं होती, लिंकिंग नहीं होती है, वो एड्रेसिंग होती है, एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है, यानी IP एड्रेसिंग प्रोटोकॉल है हमारा, जो IP वर्जन 4 हो या IP वर्जन 6 हो, उसके थ्रू जो DHCP सर्वर है हर एक क्लाइंट को एक IP एड्रेस असाइन कर देता है डायनेमिकली, यानी ऑटोमेटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन आपके DHCP क्लाइंट्स में हो जाएंगे। हम लोग भी जब IP नहीं डालते हैं अपने लैन कार्ड के ऊपर और ऑटोमेटिक मोड में डाल के रखते हैं, तो DHCP ही तो देता है हमें IP एड्रेस देता है, तो एड्रेसिंग ही तो प्रोवाइड करता है, उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। जब आप मैनुअली IP इंटर नहीं करेंगे, मैनुअली IP नहीं देंगे, तो DHCP सर्वर मोड में अगर हम, या DHCP मोड में अगर हम अपने कंप्यूटर को चलाएं, तो ऑटोमेटिक IP अलॉट कर दी जाएगी। अब इसी संदर्भ में हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, लिंक लोकल एड्रेसिंग सिस्टम, और लिंक लोकल एड्रेसिंग तब काम करता है जब DHCP फेल हो जाता है। जब DHCP भी फेल हो गया और हमने कोई IP एड्रेस भी असाइन नहीं किया है, तो कंप्यूटर जो है वो लिंक लोकल एड्रेसिंग सिस्टम का उपयोग करके एक डमी IP एड्रेस कह सकते हो, कि वो अपने पर्पस के लिए इंटर, मतलब विद इन द नेटवर्क, वो अपने लिए एक IP उस जो है 169 डॉट समथिंग का एक रेंज है लिंक लोकल के लिए, उसमें से उठा लेता है। बट लिंक लोकल तभी काम करता है जब DHCP पहले से बंद पड़ा हो, काम नहीं कर रहा हो, बट जब DHCP काम करना शुरू कर दिया है, तो एक IP एड्रेस डायनेमिकली उस क्लाइंट को असाइन कर दिया जाएगा, है ना। तो
जनरली हम लोग मोबाइल में डीएसपी मोड में ही चलाते हैं, हम लोग आईपी एड्रेस नहीं डालते। बहुत बार हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आईपी एड्रेस नहीं डालते हैं, ऑटोमेटिक मोड में डाल के छोड़ देते हैं, तो भी हमें कोई ना कोई आईपी एड्रेस तो मिला हुआ रहता है ना, वो डीएसपी के थ्रू मिलता है। ये उसी चीज़ को पूछा रहा है 75 नंबर क्वेश्चन में। 76 जो है, अ सर्वर डैश इनिशिएट्स अ सर्विस अंटिल इट इज रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट। एक सर्वर कभी काम करना बंद नहीं करता, वो ऑलवेज सर्विस जो है इनिशियलाइज करके ही रखता है। अब क्लाइंट आए अपना इंफॉर्मेशन, वो जो भी उसको गैदर करना है वो करे, बट सर्वर हमेशा ही यानी ऑलवेज यानी हमेशा वो अपना एक्टिव मोड में ही रहता है। तो यहाँ पे नेवर एवरीडे नहीं होगा, ऑलवेज होगा, ऑलवेज वो एक्टिव मोड में रहता है। अब आपकी इच्छा, आप क्लाइंट जब आएगा, क्योंकि क्लाइंट तो एक एक तो होते नहीं है, लाखों लाखों क्लाइंट होते हैं, तो जो क्लाइंट अभी काम नहीं कर रहा तो कोई और क्लाइंट काम कर रहा होगा, तो सर्वर तो ऑफ नहीं हो सकता ना, सर्वर हमेशा एक्टिव मोड में ही रहेगा। 77 है एसएफपी, एसएफपी का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, और एफ को गैप कर दिया गया है, जो मिसिंग शब्द है वो है एफ का, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एसएफपी, ये आप लोग नोट कर लेना कभी, स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। 78 है थिन क्लाइंट इज मोस्टली यूज्ड इन, सिंपल सा आंसर है आपका, थिन क्लाइंट यूटीएस काउंटर्स पर इस्तेमाल होते हैं, बट एटीवीएम मशीन में भी इस्तेमाल होते हैं, बट मोस्टली यूज कह दिया, इसलिए यूटीएस काउंटर यहाँ पे सही आंसर होगा। मोस्टली यूज करने का मतलब है कि यूटीएस को, यूटीएस काउंटर पे अगर हम थिन क्लाइंट नहीं इस्तेमाल करें तो और कोई ऑप्शन हम लोगों के पास है नहीं, एटीवीएम में दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, बट यूटीएस काउंटर पे मोस्टली थिन क्लाइंट ही इस्तेमाल होते हैं, बट थिन क्लाइंट एटीवीएम मशीन के अंदर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जो मोस्टली यूज शब्द इस्तेमाल किया है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर यूटीएस काउंटर को सही आंसर मानेंगे, है ना। 79 नंबर जो है कि अगर आपको आईपी एड्रेस पता करना हो, मैक एड्रेस पता करना हो, डीएससीपी इनेबल है कि नहीं है, डीएनएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर हर चीज़ को अगर हमें क्रॉस चेक करनी है तो उसके लिए कमांड क्या है, उसके लिए हम लोगों को कौन सा कमांड इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं एक स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। इस तरीके के हम लोगों को कमांड लिखने पड़ते हैं, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल, दिख रहा है सबको? हाँ, तो आईपी कॉन्फिग लिखोगे तो सिर्फ आईपी एड्रेस आ जाएगा, जो आपके आईपी एड्रेस जो डली हुई होगी वो आ जाएगा, लेकिन अगर आपको स्लैश ऑल कर दोगे तो जितने भी आपने डिफाइंड किए होंगे आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डीएसपी या डीएनएस, जो भी आपने मेंशन किए होंगे या बाय डिफॉल्ट चल रहा होगा, डायनेमिक मोड में चल रहा होगा, वो सब इकट्ठे एक ही पेज में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, कि थोड़ा हटके उन्होंने पूछा कि आईपी कॉन्फ़िग तो हम अभी भी पता करने के लिए, आईपी पता करने के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं, बट स्लैश ऑल जब करेंगे तो इकट्ठे एक ही साथ एक ही पेज में आपको सारे इंफॉर्मेशंस एट ए ग्लांस चले आएंगे। मतलब अगर हो सकता है कि आपने इथरनेट पोर्ट इस्तेमाल किया हो, आपके कंप्यूटर में वाईफाई वाला लैन कार्ड भी लगा हो, तो दोनों के लैन कार्ड, दो दो लैन कार्ड लगे हैं, मतलब दो दो मैक एड्रेस होंगे वहाँ, दोनों में आईपी एड्रेस अगर आपने शाइन कर रखी हो या नहीं कर रखी हो तो आईपी एड्रेस भी आपको दिखाई देगा। आईपी वर्जन 6 के जो बाय डिफॉल्ट आईपी हमारे अंदर चल रहे हैं कंप्यूटर के, वो भी दिखेगा। डीएससीपी इनेबल है कि नहीं वो भी दिखेगा। हमने कोई अगर डीएनएस सर्वर अगर असाइन किया हुआ है तो उसका एड्रेस दिखाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट यानी डायनेमिक मोड में कोई डीएनएस सिस्टम चल रहा है तो जो भी डीएनएस सिस्टम यानी जो भी डीएनएस सर्वर हमारा हमारे कंप्यूटर को एक्सेस दे रहा होगा उसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा, सिर्फ एक कमांड से, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल से। तो ये बहुत अच्छा कमांड है हमारे रोज के काम के लिए, आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, है ना। आईपी कॉन्फिग भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको लिमिटेड जानकारी मिलेगी आईपी कॉन्फिग में, और आईपी कॉन्फिग ऑल में आपको सभी जानकारियां मिलेंगी। गेट मैक से सिर्फ मैक एड्रेस का पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है इसमें सभी जानकारियों को इकट्ठे एक ही साथ पूछने की कोशिश कर रहा है, कि कमांड प्रॉम्प्ट का जब विंडो चला के, यानी ये ब्लैक कलर का जो विंडो है ना, इसको कमांड प्रॉम्प्ट विंडो बोलते हैं, सीएमडी विंडो बोलते हैं, और ये जब हम लोग कमांड ये देंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे
निकल के आ जाएगा। चलिए तो 79 हो गया। 80, राउटर्स कैन बी कन्फिगर्ड इधर इन सीएलआई मोड और वेब मोड, दोनों मोड में कन्फिगर होते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कंसोल पोर्ट से कनेक्ट करके और कमांड चला के, जैसे टेलनेट वगैरह के थ्रू हम लोग कमांड चला के भी कन्फिगर कर लेते हैं, और नहीं तो हम लोग बहुत सारे राउटर को वेब मोड में, यानी आजकल वेब ब्राउजर के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, उसको आईपी के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, आईपी एड्रेसिंग के थ्रू, और फिर वेब मोड में जाके, यानी ब्राउजर के ऊपर जाके, नेटवर्क के ऊपर जाके हम लोग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोनों मोड में कॉन्फ़िगर होता है, बट ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारे कन्वेंशनल राउटर के संदर्भ में अगर दिया होगा तो सीएलआई चलेगा, लेकिन अगर एडीएसएल राउटर लिखा होता तो वेब मोड होता है। यहाँ पे चूंकि एडीएसएल मोडेम नहीं, एडीएसएल राउटर नहीं लिखा है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि कन्वेंशनल राउटर के बारे में ही पूछा हुआ है, इसलिए सीएलआई जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि उन्होंने किस संदर्भ में पूछा है, अगर जनरली देखा जाए तो दोनों मोड में होते हैं, बट एडीएसएल राउटर लिखा होता तब तो सिंपल सिंपल वेब ही होता, बट कन्वेंशनल राउटर जो सिस्को के सब इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सीएलआई कमांड से इस्तेमाल करते हैं। सीएलआई मोड में उसको ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन खुलती है, उसमें जाके हम लोग अपने सारे कमांड डालते हैं और फिर उसको रन करते हैं, इसलिए उसको सीएलआई मोड लिखा हुआ है। पुट्टी से भी होता है, पुट्टी से हो सकता है, हाइपर टर्मिनल से हो सकता है। आप डम्प टर्मिनल अगर आपके पास नहीं है तो पुट्टी और हाइपर टर्मिनल चाहिए, अदरवाइज आपको डम्प टर्मिनल से भी हो जाता है। तो सीएलआई ही है एक तरह से कमांड लाइन इंटरफेस, है ना, कमांड देके ही हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर राउटर का जो हम लोग पीआरएस वगैरह में जो ट्रबल शूटिंग करते हैं वो सीएलआई के थ्रू ही तो करते हैं, हम लोग टेलनेट करके आईपी एड्रेस डालते हैं, फिर वो या उसके जो भी कमांड लाइंस हैं हम लोग सारे कमांड्स दे के एंटर करते हैं तो पूरा डिटेल आता है, फिर उस कमांड देते हैं, फिर एंटर करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो कन्फिगर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो सीएलआई में हम लोग करते हैं, बट वेब मोड में भी हमारे राउटर्स कन्फिगर किए जा सकते हैं। तो ये नॉर्मल राउटर के लिए तो ठीक है सीएलआई, बट अगर जनरल राउटर्स सभी राउटर्स को अगर मिला दिया जाए, जैसे एडीएसएल राउटर्स भी हैं या दूसरे पर्पस के राउटर्स हैं, तो वो फिर ए सी ऑप्शन जो है ना, ए एंड बी, ये वहां पे होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब चलिए, एक टेक्निकल खत्म हो गया, अब नॉन टेक्निकल है, इसको 5 मिनट में खत्म करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल है। अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज आर डिसाइडेड, किस अधिनियम के तहत कर्मचारियों के घंटे निर्धारित किए गए हैं, तय किए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, HOER है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट। पहले इसका फुल फॉर्म होता था आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस 2005, है ना, बट 2005 में इसका नाम बदला गया, 2005 में ये रिफ्रेम किया गया इस रूल्स को, इन सभी रूल्स को, और नाम रखा गया आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, HOER ही कहा गया, लेकिन HOER का जो फुल फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया 2005 में वो था आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट 2005 रूल 2005। तो ये HOER हो गया। यहाँ पे DAR, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, DAR आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है, डिसिप्लिन एंड अपील रूल बोलते हैं इसको। SF5, SF5 में यहाँ पूछा कि SF क्या होता है, तो उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सारे हैं, SF1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, अप टू हम लोग SF5, SF11 तक तो जानते ही हैं, SF14 तक होता है, टोटल 14 तक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो 83 में स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर ये मेजर पेनल्टी कौन से फॉर्म पर इश्यू होता है, तो आप लोगों ने SF5 नाम सुन रखा है, SF11 माइनर पेनाल्टी के लिए होता है और SF5 मेजर पेनाल्टी के लिए होता है, ठीक है। चलिए तो 85 नंबर है, मैटरनिटी लीव कितने दिन दी जा सकती है किसी भी महिला कर्मचारी को, तो 180 दिन दी जा सकती है, तो 180 दिन के लिए यहाँ पर 6 महीना लिखा हुआ है, 6 महीना सही सही जवाब होगा, मैटरनिटी लीव 180 दिन। पीटीओ 4 सेट मिलता है, सबको पता है,
ये बहुत ही सिंपल है। 87 ज्वाइनिंग टाइम, ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर क्वेश्चन देखिए रहता ही रहता है, हम लोगों में भी आता है, आप लोगों में भी आता ही है कि ज्वाइनिंग टाइम कब दी जा सकती है, उसके कंडीशंस क्या हैं, और कितने किलोमीटर के दायरे में अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है उसके बेसिस पर ये ज्वाइनिंग टाइम दी जाती है। तो किलोमीटर का रेंज कहता है कि 0 से 1000 किलोमीटर, बट वो सेम म्यूनिसिपल एरिया में नहीं है तो 10 दिन। 0 से 1000 किलोमीटर तक जो ट्रांसफ़र होते हैं वो है आपका, वैसे 20 किलोमीटर का दायरा है, अगर सेम म्यूनिसिपल एरिया में हो गए तो उस टाइम में ज्वाइनिंग टाइम हम लोगों को सिर्फ 1 दिन मिलता है। लेकिन इसमें चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस, एक ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग टाइम देने का, ज्वाइनिंग टाइम कब दिया जाता है, जब चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस आप शो करेंगे, यानी आपने अपना घर को बदला है, पहले कहीं और रहते थे अब नए घर में शिफ्ट हुए हैं, उस केसेस में ही ज्वाइनिंग टाइम आपको दी जा सकती है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस अगर ये आपके केस में हुआ है तो ही आप ज्वाइनिंग टाइम के लिए एलिजिबल हैं, बट किलोमीटर के हिसाब से उसकी मियाद देखी जाती है कि ज्वाइनिंग टाइम आपको कितने दिन की दी जाए। तो देखिए 1000 किलोमीटर तक अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो 10 दिन, अगर 1001 से 2000 किलोमीटर तक को अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ है तो 12 दिन, और 2001 से लेके आगे बियॉन्ड द 2000 उसमें आपको मिलेगा 15 दिन। तो ये 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 3 स्लैब हैं आपका, 1000 से कम की दूरी के लिए ट्रांसफ़र हुआ है तो 10 दिन, 2000 किलोमीटर से नीचे अगर ट्रांसफ़र हुआ और 1000 से ज़्यादा, मतलब 1001 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो 12 दिन, और 2000 से ज़्यादा यानी 2001 से ज़्यादा, अगर 2000 से ज़्यादा अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया तो 15 दिन। तो यहाँ पर हमारा 1000 से कम के लिए पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 10 दिन। LAP पर मंथ कितना क्रेडिट किया जाता है, तो साल में 30 मिलते हैं तो उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 2.5 दिन का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा, 1 महीने में 2.5 दिन के बराबर LAP हम लोगों को क्रेडिट की जाती है। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट स्टडी लीव विद इन इंडिया, तो हमारे जो DRM हैं वो विद इन इंडिया हम लोगों के लिए स्टडी लीव ग्रांट कर सकते हैं, उनके पावर में ये होता है ना। अब्रॉड के लिए तो फिर आई थिंक अब्रॉड के लिए तो रेलवे बोर्ड है ना। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया दोबारा, मतलब इफ द ट्रांसफर इन्वॉल्व चेंज ऑफ स्टेशन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू स्टेशन इज लेस देन 1000 किलोमीटर्स, हाउ मेनी डेज ऑफ जर्नी टाइम इज एडमिसिबल। 1000 से कम की दूरी के लिए ट्रांसफर हुआ है इसलिए हमारा आंसर होगा 10 दिन। लेकिन अगर 20 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसफर हुआ है और सेम म्यूनिसिपल एरिया में आप बिलोंग करते हैं और आपने घर तो बदलेंगे नहीं, क्योंकि 20 किलोमीटर के लिए कौन घर बदलता है, तो वैसे केसेस में 1 दिन हम लोगों को ज्वाइनिंग टाइम मिल सकता है ना। 1 दिन मिलता है जब 20 किलोमीटर के अंदर ही हमारा ट्रांसफर हुआ है सेम म्यूनिसिपल एरिया में। देखिए आउटगोइंग कॉल्स करते समय टेलीफोन हैंडसेट उठाते समय कौन सी टोन सुनाई देती है, बहुत सिंपल है, डायल टोन होता है ना, NGN। हाँ NGN के लिए संदर्भ में देखो क्वेश्चन, पूरे 100 क्वेश्चन में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन NGN पर ही आया है कि ट्रांसमिट होने से पहले वो जो NGN में जो लेयर है किस लेयर में, यानी किस लेयर में ये जो सर्किट से पैकेट, पैकेट से सर्किट स्विचिंग होती है ट्रांसमिशन से पहले, वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। अब हम जो 7 लेयर पढ़ते हैं OSI के, वो इंजन में इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पे लिमिटेड लेयर्स होते हैं, उसमें से एक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर भी है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ही सर्किट से पैकेट स्विचिंग और पैकेट से सर्किट स्विचिंग की जो प्रक्रियाएँ होती हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये थोड़ा सा आप अभी फिलहाल के लिए आप बस मेमोराइज कर लेना। 93 है फुली चार्ज कंडीशन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मोर देन 1220, 1220 का फुली डिस्चार्ज और फुली चार्ज
ये एक क्राइटेरिया है। फुली चार्ज में हम लोग 1220 से ऊपर मानते हैं कि फुली चार्ज हो गया है, और फुली डिस्चार्ज को 1180 मानते हैं ना। VHF रेंज सिंपल है, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज के रेंज को हम लोग VHF रेंज कहते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर क्लास SPD, या लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, थर्ड से बचने के लिए, थर्ड स्ट्राइक लाइटनिंग से बचने के लिए, वो एक तरह का सेफ्टी उपकरण है हमारे लिए। फ्यूज़ हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है, SPDs पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं देखो, कि फ्यूजेस जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं, और जो SPD होते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस, वो पैरेलल में होते हैं। अब वो जो आपका क्लास बी है वो कहाँ लगता है, क्लास सी कहाँ लगता है, क्लास डी कहाँ लगता है, वो फिर आपको देखना रहेगा। बट SPD पैरेलल में लगते हैं और फ्यूज सीरीज में लगते हैं। VOIP में जो हम लोग IP फोन इस्तेमाल करेंगे, अगर उसको स्विच से कनेक्ट करना हुआ तो RJ45 कनेक्टर ही इस्तेमाल होगा। बहुत सिंपल है ये। एक स्विच के पास दो स्टेट्स होती हैं। अब पता नहीं मुझे 98 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्यों इस तरीके से पूछा हुआ है, कि कोई भी स्विच है उसमें कितनी स्टेट्स होती हैं। तो बेसिकली कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो दो स्टेट होनी चाहिए, ऑन एंड ऑफ, इनेबल एंड डिजेबल्स। तो एक स्विच में दो ही स्टेट्स होती हैं, ऑन एंड ऑफ। इसलिए हम लोग डिप स्विच वगैरह भी देखते हैं ना, DIP स्विचेज, तो उसमें ऑन एक तरफ ऑन लिखा रहता है, एक तरफ ऑफ लिखा रहता है। तो ये ऑन एंड ऑफ आप मान के चलिए कि दो स्टेज होती हैं। जेनर डायोड किसके लिए इस्तेमाल होता है, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। रेक्टिफायर के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे एसी से डीसी कन्वर्जन होता है वहाँ पे। बट जेनर डायोड जो होता है वहाँ पर वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। और 100 नंबर क्वेश्चन है, द लास्ट वन, कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज जनरली यूज्ड। तो कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते